गीता यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी के छात्र बायर क्रॉप साइंस कंपनी में एक महीने की समर इंटर्नशिप कर रहे हैं। गीता यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी के HOD डॉक्टर युवराज यादव ने बताया कि छात्रों को फील्ड में ले जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में छात्रों को अच्छे पैकेज पर काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों का पहला साल पूरा होते ही उन्हें इंटर्नशिप का अवसर दिया जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर बच्चों को जिन्हें ये मौका मिला बायर के साथ 1 महीने समर इंटर्नशिप का। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा बायर क्रॉप साइंस का, जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके हमारे बच्चों को ये मौका दिया कि वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकें बायर कंपनी के साथ। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गीता यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में हमारे बच्चों के साथ हम इसी तरीके से क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि बच्चों की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी बने। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। थियोरेटिकल हम बच्चों को सिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली हम उनको एक्सपोजर दे रहे हैं फील्ड के माध्यम से। हम विजिट्स पे बच्चों को लेके जाते हैं और कम से कम हमारे पिछले एक साल में हमने 9 से 10 विजिट्स कराई हैं, जिसमें बच्चों ने सीखा है कि वही मशरूम की खेती कैसे करते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस को हम कैसे ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो हम कैसे करते हैं। तो इसी माध्यम से बच्चे हमारे लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे इस तरीके से जो सीख रहे हैं, इससे इनकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही है। ये चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उसके लिए इनका लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। प्लस जो प्राइवेट सीड ऑर्गेनाइजेशन हैं, पेस्टिसाइड ऑर्गेनाइजेशन हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए भी इनकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है युवाओं में। तो अगर युवाएँ ये चाहें कि यहाँ से वो 4 साल का ये BSc एग्रीकल्चर करने के बाद अगर वो खुद का एक बिज़नेस, एक स्मॉल स्टार्टअप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर खोलना चाहते हैं, तो वो भी एक हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। छात्रों को पानीपत के अलग अलग गांवों में किसानों के बीच भेजकर किसानों को फसलों की पैदावार पर आने वाली समस्याओं को बायर कंपनी के साथ मिलकर हल निकाला जा रहा है। डॉक्टर युवराज यादव ने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी का एक ही उद्देश्य है, छात्रों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराकर उन्हें अच्छी कंपनियों में बड़े पैकेज पर सिलेक्ट करवाया जाए। बायर जर्मनी की कंपनी है, MNC कंपनी है और लगभग 83 कंट्रीज से ज़्यादा में बायर काम कर रही है। और इसी साल हमने 125 साल भारत के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो बायर की अगर मैं बात करता हूँ, बायर एक जो कंपनी है वो इनोवेशन पे काम करती है, नए नए टेक्निकल्स पे काम करती है, जो आधुनिक तकनीकें हैं उन पे काम करती है। और जो बायर का जो मेनली एजेंडा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे हम किसान को एक अच्छा जो अफोर्डेबल फूड हम दे सकते हैं, अच्छी इनकम उसकी बढ़ा सकते हैं, और एक जो फार्मर की कैसे हम जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर हम काम कर सकते हैं। 15 बच्चों को हमने रजिस्ट्रेशन किया है और इंटर्नशिप के लिए। तो इसमें हमारा इंटर्नशिप का एजेंडा मेनली इनके साथ ये है, जो भी एक तो हमारा डिजिटल टूल पे है, डिजिटल टूल की अगर मैं बात करता हूँ तो बायर ने रिसेंट में फार्मराइज ऐप है लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग हमने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी और इन बच्चों को मैक्सिमम, ताकि इन बच्चों के थ्रू हम सबसे जो नीचे के फार्मर्स है, मैक्सिमम फार्मर्स तक हम इस ऐप को पहुँचा पाएँ। तो ये बच्चे हैं फार्मर से मिल रहे हैं और ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं और ट्रेनिंग फार्मराइज ऐप की ये फार्मर्स को दे रहे हैं। और साथ में अभी जो रिसेंट में अगर मैं बात करता हूँ जो प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स की, उसके बारे में भी ये किसानों को सजेशन दे रहे हैं, जैसे बायर के पास जो नए नए टेक्निकल्स हैं उनके बारे में ये किसानों को बता रहे हैं। वहीं बायर कंपनी के मैनेजर रोहित कुमार ने बताया कि बायर जर्मनी की कंपनी है जो 83 देश में काम कर रही है। कंपनी ने इसी साल भारत में 125 साल पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि कई बार कंपनी ने गीता यूनिवर्सिटी के 15 बच्चों का इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है। उन्होंने बताया कि ये विद्यार्थी किसानों से मिलकर बायर कंपनी की उच्च तकनीक के विषय में उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अभी हमारी बायर कंपनी के साथ फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चल रही है, जो सभी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रही है। और वैसे भी किसी और कॉलेज में, किसी और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ऑफर नहीं होती है। सो लास्टली आई वांट टू थैंक गीता यूनिवर्सिटी, आवर HOD डॉक्टर युवराज यादव एंड बायर कंपनी।
बायर कंपनी के साथ हमारी इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा है कि हमें सब बच्चों को नॉलेज मिल रही है कि हमें किस तरह फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको कन्वेंस कैसे करना है और किस तरह उनको नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना है। बायर कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला है जिससे हम फार्मर की प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सके फार्मर को, लाइक जैसे फार्मर को प्रॉब्लम फेस हो रही है उनकी क्रॉप में, लाइक अभी पैडी का सीजन चल रहा है जैसे धान की रोपाई चल रही है अभी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है जैसे झंडा रोग हो गया, जैसे साइज कम हो गया पैडी का, इससे हम उनको पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि उनका क्या क्या कमी आई है, क्या क्या उनकी डेफिशिएंसी है जिससे उनकी क्रॉप को बहुत इफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में किसी को भी इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि बायर कंपनी जो है कि MNC कंपनी है उसके साथ इंटर्नशिप करने का हमें मौका मिला है, तो मैं गीता यूनिवर्सिटी और बायर कंपनी दोनों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कम्प्लीट होने के साथ साथ हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है कि बायर कंपनी के साथ हमारी इंटर्नशिप हो, और बायर के साथ इंटर्नशिप होने का मेन मकसद हमारा ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिले, क्योंकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो कॉलेज से ले रहे थे और प्रैक्टिकल भी थी, बट जो फील्ड लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो हमें इंटर्नशिप के प्रोग्राम में ही मिलेगी, तो हम बायर कंपनी के साथ अभी टाई अप में है और इंटर्नशिप चल रही है सर के साथ। इसके साथ ही बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें पहला साल पूरा होते ही बायर कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है जो उनके लिए काफी लाभदायक होगा। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।